सपने सबके होते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कितने ही सपने टूट गए। कुछ सपनों को खाद, बिजली, पानी की जरूरत है, वरना वो अधूरे रह जाते हैं। सपनों को महंगाई से बचाना है, वरना वो बिखर जाएंगे। बेरोजगारी में सपने देख देख कर कुछ लोग टूट गए। और कुछ लोगों का काम ही है सिर्फ सपने दिखाना। कुछ सपने तो बनने से पहले ही टूट जाते हैं। और कुछ सपने प्यासे ही रह जाते हैं। पर सपने देखना जरूरी है। हाँ, मैं समझती हूँ, आपका एक सपना है, मेरा भी आपकी और राजस्थान के लिए एक सपना है। किसान को बिजली सबसे पहले चाहिए, बिजली और पानी हो तो ही किसान या देश समृद्ध हो सकता है। कांग्रेस आई, बिजली गई, बीजेपी आई, बिजली आई, ये कहावत हो गई। पोपा माई का राज चल रहा है साहब, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। कर्मचारी अपने आप सीएम बन के घूम रहे हैं, किसानों से बिना बिजली दिए बिल वसूल रही है। मतलब जब से बीजेपी गई, बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ ही चलेगी। गहलोत ने कहा था भाई बिजली के पैसे नहीं बढ़ाऊंगा, पिछले दरवाजे से बढ़ा दिया। ट्रांसफार्मर के पैसे मांग रहे हैं, लाइने के पैसे मांग रहे हैं, VCR से भी 5 गुना पैसा इस बार और बढ़ा दिया। अब बेचारा किसान कहीं से बीज खाद उधार लाता है, मेहनत करता है, और पानी के लिए जलने के विषय में वो तो किसी से कर्जा लेके फिर उनके चोरों की जोड़ी में डाले। एक गरीब रोटी के लिए अनाज के लिए भटक रहा है, सरकार गेहूं को समुद्रों में घेर रही है, गोदामों में सड़ रहे हैं। माल पड़ा हुआ है, ढेर पड़े हैं माल के, लेकिन खरीदने के लिए नहीं आ रही सरकार आगे। बस ये सरकार घोषणा कर दी है कि हम इतना खरीद लेंगे, लेकिन करती नहीं है। शहरों में उजाड़ा और गाँव में अंधेरा, दो तरह का भारत हो रहा है। क्या गाँव में कोई जानवर थोड़ी बसते हैं? बिजली ने किसानों को झटका दिया, इसलिए गहलोत को झटका तो लगेगा। आके आके रात सोने भी नहीं थे, रावली बिजली, रावली बिजली, रावली को नींद में थे ना क्या रोज़ इंदिरा जी की, तो कोई भी दुख कौन सोने टेमा टेम बिजली आ। पानी नहीं है हमारे, लाइट नहीं है हमारे, पट्टो नहीं है हमारे, क्या क्या क्यों सुख नहीं मैं गाँव का। 12 बजे तक पानी नहीं आते हमारे, पानी की समस्या लेके जाते हैं इनके पास में, तो घर जब किसी के सो रहे थे क्या। बार कांग्रेस आई अटली मोहंगारी थी गई है, तो खीला लावे नमन ने खवातो ने अटलो नहर नो पानी भी नहीं सड़े। बिजली के बिल आ रहे 5-5 हजार के, 6-6 हजार के, तो हम कहाँ से जमा करवाएंगे। कांग्रेस के राज में ना तो कोई सफाई हो रही है, ना कोई सस्ताई हो रही है, रोटी खाने से परेशान हो रहे हैं लोग, गरीब आदमी ना स्कूल पढ़ा सकते, बच्चों को ना कुछ कर रहे, इतनी सी कमाई हो रही है। जब से गहलोत सरकार आई से माँ की रसोई डगमगा चुकी, 2 वक्ती रोटी को जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से रहे, 800-800 का सिलेंडर, गरीब आदमी का कहाँ से लेकर आओ सिलेंडर। ये दाल चीनी का भाव उतना बढ़ा दे, देखो डब्बा सारा खाली पड़ा है, काय भी कौन है डब्बा के अंदर, काय काय ले रखा। तेल भी महंगा, आटा भी महंगा, दुनिया भर की महंगाई भाई साहब, अपन को तो इतनी महंगाई नहीं चाहिए। मैं चंद्रकांता बुनकर SC की महिला सरपंच हूँ। वसुंधरा जी के टाइम पे हमें 1 लाख तक का चेक पावर था, उसे अब 10 हजार का कर दिया है। हमें 1 लाख में तो कुछ भी काम करवा सकते, नालियों का भी करवा सकते थे, छोटा मोटा और भी कोई काम करवा सकते थे, 10 हजार में कुछ काम होता ही नहीं है। जो गहलोत के कार्यकाल में इतना ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ, बहुत ही अपराध भी हुआ है और अपराध की संख्या बढ़ी है, और नौकरी के मामले में देखा जाए तो विधवा तलाकशुदा महिलाओं को उन्होंने कुछ भी, अभी तक जो वसुंधरा जी ने निकाला था वही हुआ है आज तक, उसके बाद उन्होंने किसी भी महिलाओं को नौकरी पे नहीं रखा है। 5 साल से लोग बैठे हैं, BEd करके बच्चे बैठे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिल रही। राजस्थान में भी अभी इस टाइम कोई भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। राजस्थान में चूंकि रोजगार नहीं है, उत्पादन नहीं है, इसलिए यहाँ का बच्चा राजस्थान छोड़कर नोएडा जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, पुणे जा रहा है, यानी उसके जाने से
जो राजस्व की हानि हो रही है हम लोगों को, उसकी कोई कल्पना आज नहीं कर पा रहा है। जो बेरोजगार का आलम है वो ये है कि 50 वैकेंसी निकलती है, 5 लाख बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं। वसुंधरा जी के समय साल में लगभग 5,000 रुपये हर एक बेरोजगार छात्र को मिलते थे, जिसके कारण उस छात्र को हर तरह के फार्म भरने में सुविधा होती थी। लेकिन आज इस सरकार ने आते ही सभी तरह के बेरोजगारी भत्ते और अन्य तरह की जो छात्रों को सुविधाएं दी जाती थी वो सभी बंद कर दी, और इस कारण राजस्थान राज्य शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ चुका है। कांग्रेस सरकार आई है, इस तरीके का भ्रष्टाचार तो खैर वो है, ये तो सारी पब्लिक जानती है। हमने जब वसुंधरा के टाइम पे देखा था तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, और जब से ये वसुंधरा की सरकार गई है बच्चे से लेकर के और बूढ़ा तक काफी परेशान है। राजस्थान बीमारों स्थिति की श्रेणी से ऊपर उठ गया था, राजस्थान सरकार के गलत नीतियों के कारण आज पुनः वो बीमारों की स्थिति में आ गया है। आगे हर साल आगे विकास होना चाहिए, ना कि पीछे आना चाहिए। उतनी हमारी आय होने के बावजूद सरकार सिर्फ खैरात बांट रही है, साड़ी बांटना, कंबल बांटना, 1 रुपए में अनाज देना, लैपटॉप बांटना, निशुल्क दवाई देना। कभी भी पेड़ पौधों पे हरे रंग से रंगने से हरियाली नहीं आएगी, उसके लिए जड़ों में खाद पानी देना चाहिए। पिछले 4 साल में हम ये दावे से कह सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्र सबका बंटरदार हो चुका है। यह दिशा नहीं है, दशा खराब है। सवाल ये उठता है कि कब तक इस चीज को सहा जाए, ये जनता को तय करना है। हमें जरूरत है एक नए राजस्थान की, एक विकसित राजस्थान की, एक ऐसा राजस्थान जिसमें बच्चे पढ़ें और बढ़ें, एक ऐसा राजस्थान जहां हर महिला आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहे, एक ऐसा राजस्थान जहां हर नौजवान को रोजगार मिले, एक ऐसा राजस्थान जहां किसान मजबूत हो, उसको खाद, बीज, बिजली, पानी सही समय पर मिले, और जब अपने फसल को बाजार ले जाता है तो उचित मूल्य भी मिले। वसुंधरा जी के टाइम में समस्या आई नहीं, कुछ आई तो एक बार वसुंधरा जी से मिले, वसुंधरा जी ने तुरंत ऑर्डर किया जाओ CMD साहब इनकी समस्या सुनो, पूरी समस्या सोल्व की। 15 साल तक जो कनेक्शन लाइटों के कटे हुए थे उनको भी चालू किया। भाजपा में ऐसा अनुशासनहीन शासन नहीं था, भाजपा के राज में सुधार था, सुनते थे। भाजपा शासन में फीडर सुधार हुआ जिससे 24 घंटा सप्लाई मिली, जिससे विद्यार्थियों को रात को पढ़ने के लिए काफी अच्छा रहा, और गृहणियों को यानी महिलाओं को सुबह और शाम बिजली मिली। हमारा वसुंधरा आई असों करें की नहर भी लावी, पानी भी मलियों ने वो मलता मने काम भी लावी, गरीब लोग ने जी बढ़ाया। वसुंधरा जी जाए जो का मुख्यमंत्री बोला जी तो माँ के लिए चैन से दुख को नहीं सुख से माँ के। वसुंधरा सरकार के बजट में हमेशा महिलाओं के लिए एक जेंडर बजटिंग नाम का एक कंपोनेंट होता था, और पिछले पूरे कार्यकाल में जेंडर बजटिंग नाम की चीज नहीं थी। महिला होने के नाते वसुंधरा सरकार ने उस पर विशेष ध्यान दिया, ये भी बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन वो समय की मांग है। वसुंधरा जी ने तो इतनी मतलब सर्विस दी है डाइवोर्सी कोटे में विधवाओं को, मेरे को भी नौकरी मिली है इस कोटे में, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ और अपने परिवार का भी सहारा बनी हूँ, और मुझे जो जॉब मिली है उससे मेरे परिवार में भी मेरी इज्जत बढ़ी है। वसुंधरा जी ने लगभग 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां हर विभाग में निकाली और हर वर्ग को उन्होंने फायदा दिया। उनके समय में बेरोजगारी ने उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा। हम ये चाहते हैं कि वसुंधरा की सरकार आए, वसुंधरा की सरकार में हम बहुत लोग खुश थे, उनकी नज़र में कोई मुस्लिम कोई मतलब गैर मुस्लिम नहीं है, वो सबको एक नज़र देखती हैं। कोई भी सरकार हो वो वित्तीय प्रबंधन उसका सुचारू और सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि जो प्रदेश है उसका आर्थिक संरचना कभी भी कमजोर नहीं हो। अपेक्षाएं इसलिए ज़्यादा हैं वसुंधरा जी से क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया। आने वाले चुनाव में ये सरकार जाएगी और जनता इसको बदलने को प्रतिबद्ध है, क्योंकि हर राजस्थानी का हक है उसको स्वराज मिले, सुराज मिले, उसका जीवन संपन्न हो और उसको सम्मान से जिंदगी जी सके। राजस्थान का ये सपना कोई एक व्यक्ति साकार नहीं कर सकता, परंतु अगर हम सब 36 के 36 कौम, सब मजहब एक साथ मिलकर परिवार के रूप में प्यार की डोर से बंधकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की प्रगति होगी, होगी, होगी। आओ साथ चलें।
आओ राजस्थान का सपना पूरा करें, वसुंधरा राजे के साथ चलें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आओ साथ चलें।